ये है लापता एसएमपी और ये है उसके कुछ प्लेयर्स, और जब ये प्लेयर्स है तो मतलब इनमें से कोई ना कोई एक प्लेयर तो इलीगल काम करता ही होगा। एंड या वो मैं ही हूँ। मैंने सोचा जो बचपन में मंदबुद्धि बच्चा है, मतलब कि आइंस्टाइन सर वो इतने ज्यादा बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो मैंने भी सोचा भाई कि मैं इलीगल काम करूंगा तो कुछ बड़ा कर दूंगा एसएमपी के लिए। क्या बोला तूने? आई नो लॉजिक कहीं पर भी है तो मत ढूंढो। और उस इलीगल काम की वजह से मेरी पूरी की पूरी इन्वेंटरी क्लियर कर दी है। तुम लोगों को पता मेरे पास कितना ज्यादा सामान था। जो लोग भी नहीं है वो इससे पहले वाला एपिसोड देख सकते हो ताकि आप लोग सब कुछ समझ आ सके। और इस वीडियो में मैंने एक अपने लिए एक मस्त सा घर भी बनाया है जिस इलीगल काम की वजह से ये मेरी इन्वेंटरी क्लियर हुई है। अगर आप लोगों को वो जानना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो मेरी इन्वेंटरी तो क्लियर हो चुकी है। और अभी आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वहाँ पर पीएचडी वाले आते हैं, मेरे को रेस्क्यू करके लेके आते हैं क्योंकि मेरे पास एक भी सामान नहीं था। और वो मेरे को कुछ डायमंड का प्रोटेक्शन 4 का आर्मर देते जो कि उन्होंने रेजगेवर से परचेस किया था। और अभी मेरे को नेदरराइट की भी जरूरत थी क्योंकि नेदरराइट का आर्मर नहीं रहेगा तो इस एसएमबी में मेरे को कोई भी और कभी भी मार सकता है। और अभी मेरे को नेदरराइट माइन करने के लिए मेरे को चाहिए था बैट्स, और बैट्स के लिए चाहिए थी वूल, और वूल के लिए चाहिए था मेरे को सिप्स। और सिप इतनी ज्यादा मिलती नहीं कि मैं उनसे वूल ले लूं, तो मेरे को क्या देखा सीधा एक सेनपाई का घर, उसके घर पर बहुत ज्यादा वूल थी, ऑलमोस्ट 1.5-2 तक निकली थी। तो मैं जाता फटाफट से उसकी पूरी की पूरी वूल को माइन कर लेता हूं। माइन छोड़ो, सीधा चोरी कर लेता हूं। तो करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वूल माइन करता हूं या फिर चोरी करके जाता हूं, वहां पर मैं उसको पूरा फिल वापस से करके जाता हूं, वो आप वीडियो के एंड में देखना। और अभी बारी थी इन सब बैट्स को नेदर में फोड़ कर एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने की। तो फटाफट से नेदर में जाता हूं और वहां पर जाकर बहुत सारे जितने बैट्स हैं सबको फोड़ देता हूं। मेरा नेदरराइट का आर्मर तो कंप्लीट हो चुका था, बट वो काफी ज्यादा डैमेज था और उसमें मेरे को कुछ अनब्रेकिंग वगैरह भी लगानी थी, तो मेरे को एक्सपी की सख्त जरूरत थी। तो मैं फटाफट से स्टीवी के पास जाता था इसके गोल्ड फार्म की मैं लोकेशन ले जाऊँ, और स्टीवी को भी डिस्कॉर्ड में बहुत ज्यादा उसके हाथ पर जोड़ने का, फाइनली वो अपने गोल्ड फार्म की लोकेशन बता देता है। तो गाइस यहाँ पर स्टीवी ने मेरे को गोल्ड फार्म के कोऑर्डिनेट दे दिए ताकि मेरे को एक्सपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। देख सकते हो मेरा आर्मर एकदम पूरा टूट रहा है, तो मेरे को एक्सपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं जा रहा हूँ अभी स्टीवी के गोल्ड फार्म पर, उससे पहले मेरे को थोड़ा खाना चाहिए। मेरे पास खाने के नाम पर भाई कुछ नहीं है, और मैं अपने आर्मर को पूरा रिपेयर कर लेता हूं क्योंकि मेरे आर्मर पूरे पे मेंडिंग लगी हुई थी और उस पास अनब्रेकिंग वगैरह और लगानी थी। मेरे आर्मर को अनब्रेकिंग तो लगानी थी, बट जो अनब्रेकिंग था मेरा विलेजर मुझे 25 एमरल्ड में देता था, तो मैंने उसे जॉम्बी विलेजर बना दिया। और उसके बाद वो कितने ज्यादा सस्ते में दे रहा है मैं आप लोगों को दिखलाता हूं। तो गाइस ये देखो यहां पर ये अनब्रेकिंग वाला फायर एक्सपेक्ट, एक एमरल्ड में फायर एक्सपेक्ट की बुक दे रहा है। और ये शार्पनेस 4 भी चाहिए, शार्पनेस 4 में 5 बनानी सॉल्ट अनब्रेकिंग वाला। ओके है, ओके देखो गाइस 25 एमरल्ड में दे रहा था, मेरे को ये एक में दे रहा भाई। मैं 4 ले लेता क्योंकि मेरे को पूरा आर्मर पर लगानी ना, इस पर तो लगी नहीं है, इसके लिए लेता चलो एक। और अभी करते हैं इसको एंचेंट, और अभी इसको भी लगा लेते हैं इस पर भी। अरे यार एक्सपी दे वापस से गोल्ड फार्म चलो यार, या फिर पीएचडी वाई से लगवा लूंगा। मेरा नेदरराइट का आर्मर तो अभी कंप्लीट हो चुका था, और अभी बारी थी पीएचडी वाई का काम करने के, क्योंकि पीएचडी वाई ने एक भव्य पोर्टल बनाया लापता एसएमपी के स्पॉन पे। वो ऐसा बोलते हैं भव्य पोर्टल, तो हाँ उन्होंने एक भव्य पोर्टल बनाया है, तो उसके जो नीचे का बेस है वो मुझे तैयार करना था। और मैंने कुछ भी सोचा नहीं मुझे कैसा बनाना है, बट हाँ मैंने बोल दिया हाँ मैं बना दूंगा, तो अभी चलते उसे बनाने के लिए। अरे भाई कॉम्बैट मुबारक भाई, ठीक है पीएचडी वाई फाइट करेगा, टोटम उड़ाते है ना भाई, टोटम उड़ने तक भाई 15 हट, 15 हट लेके भाई बंदा घूम रहा है भाई, 14 ही है भाई मेरे पास, गरीब को मार रहे हैं। नया प्लेयर आया है, ओके ओके। अरे भाई प्लीज भाई एक टोटम प्लीज, ठीक है भाई स्ट्रेंथ, भाई स्ट्रेंथ लगा के बैठे भाई। हाँ तो हटाया होगा। और पीएचडी भाई, और पीएचडी भाई, हेलो पीएचडी भाई, व्हाट्स अप। मैं कल नेदर में भी गया था रैपिस भाई, अभी अकेले। ओके ओके, तो ये बताओ बस नीचे डीप स्लेट से बनाओ ना। नहीं डीप स्लेट से ऊपर बना है ना, ब्लैक स्टोन से बनाएगा, ब्लैक स्टोन करो थोड़ा शेड लगेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और अभी पीएचडी भाई का भव्य पोर्टल तो एकदम रेडी हो जाता है। और मेरे को कमेंट करके बताना पीएचडी का पोर्टल अच्छा लग रहा है या फिर जो नीचे का उनका बेस है वो अच्छा लग रहा है। और ये पोर्टल देखने वाला, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे एक लाल कलर का बटन है यार आप लोग दबाते ही नहीं हो। और अभी बारी थी मेरे को वापस से ओवर पावर होने की, और ओवर पावर होने के लिए मेरे पास पोशन होना बहुत जरूरी है। तो मैं वापस से नेदर में जाता हूँ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए, यानी फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे पास ब्लेज रॉड नहीं थी। थोड़ा देर ट्रेवल करने के बाद मेरे को ब्लेज रॉड के लिए फोर्ट्रेस तो नहीं मिलता है, पर ये एक वैसिन जरूर मिल जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा बड़ा था, मतलब ट्रेजर वैसिन था। तो मेरे को लगा ये लूटा हुआ होगा, बट मैं जैसे इसके नीचे अंदर जाकर देखता हूँ तो भाई ये लूटा हुआ नहीं था, यानी इसके अंदर काफी ज्यादा गोल्ड था भाई। फोर्ट्रेस ढूंढना था, बेस्ट मिल गया, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सामने ही ब्रूट है यार। मन नीचे निकल चुप कांडी, ओके के से भी नीचे निकल पागल भाई, ब्रूट से मेरे को पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है, बट लग रहा है भाई। ओके ओके इधर ब्लॉक लगा दो ताकि पीछे कोई ना पाए, और अभी आगे चलते हैं। अबे भाई एरो मारेगा, लॉल चिमकांडी इसके अंदर क्या, चेस्ट के अंदर देखना पहले। ओपी 3 डायमंड्स, बस इसका कुछ नहीं होगा भाई, डायमंड्स की मेरे को जरूरत है। ओके इसका थ्रोन्स था, थ्रोन्स बैन है लापता एसएमपी में, तो यार रिमूव हो गया वो। और अभी यहाँ से ले लेते हैं, मेरे को गोल्ड का भी जरूरत है क्योंकि मेरे को वो गोल्डन एप्पल बनाना है, इसलिए मेरे को गोल्ड का काफी ज्यादा जरूरत है। और
अबे हट भाई, तेरी वैसे एक ब्लॉक वेस्ट हो गया मेरा कांडी। ओके अब यहाँ से जितना भी गोल्ड सब ले लेते हैं, और आई थिंक इसके अंदर कहीं पर और ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं भाई। और उसके बाद मैं फिर से चला जाता फोर्ट्रेस ढूंढने की तलाश में, एक और बेसिन भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो भी ट्रेजर बेसिन भाई। इसके अंदर काफी अच्छी लूट होती है, बट मुझे एक और बेसिन मिल जाता है और मैं इसको भी लूट लेता हूँ। काफी अच्छी लूट मिलती है इसके अंदर, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। और जितना भी गोल्ड है भाई वो तो कलेक्ट करना मेरा सबसे पहला फर्ज है, तो सारा गोल्ड ले लेते हैं। और चेस्ट के अंदर मुझे मिलते हैं 2 नेदरराइट के इंगोट भाई, इतनी ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। बेसिन लूटने के बाद मुझे थोड़ी और दूर चल के वहाँ पर एक फोर्ट्रेस भी मिल जाता है, बट इसे ढूंढने मुझे थोड़ा टाइम लगा था, बट यार मैं इसे ढूंढ लेता हूँ। और वहाँ पर जितने भी ब्लेजर्स थे भाई मैं सबको मारता हूँ, 1.5 स्टैक में अपने ब्लेजर कलर करता हूँ और यहाँ से वापस चला जाता हूँ घर के लिए। भाई मेरे पास तो घर ही नहीं है यार, लापता से एक सीक्रेट बेस था, वो भी सरपाई ने फोड़ दिया, तो मेरे पास कोई घर तो बचा नहीं है। तो क्या करते हैं, स्पॉन पे जाकर अपना एक बढ़िया सा हाउस बनाए। कुछ तो मैं एसएमपी में सबसे अलग बनाना चाहता था, तो उसके लिए मेरे को कॉन्क्रीट की काफी ज्यादा जरूरत थी, खास करके ब्लू कॉन्क्रीट की। तो कॉन्क्रीट बनाने के लिए वो ग्रेवल लगता है, तो फटाफट से केव में आता हूँ और केव में जितना भी ग्रेवल होता है पूरा का पूरा साफ कर देता हूँ। कॉन्क्रीट बनाने के लिए वो ग्रेवल की जरूरत पड़ती है, साथ ही मेरे को सैंड की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास ही एक डेजर्ट था, यहाँ तक कि मेरा एक जो विलेज था जिससे मैं विलेज चोरी करके लेके गया था, वहाँ पर एक डेजर्ट था, उसी डेजर्ट में वापस से आता हूँ, वहाँ से बहुत सारा ग्रेवल कर करके लेके जाता हूँ। अगर मुझे ब्लू कलर के कॉन्क्रीट की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो साथ ही मुझे ब्लू कलर के वूल और लाइट ब्लू कलर के वूल की जरूरत थी, ताकि मैं अच्छे टेक्सचर दे सकूँ। तो मैं फटाफट से आता हूँ और कुछ थोड़ी फैंसिस लगाता हूँ, वहाँ पे भेड़ों को कैप्चर करता हूँ और उनको ब्रीड कराना स्टार्ट करता हूँ। काफी ज्यादा ब्रीड कराता हूँ और उनको कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ। अभी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी शीप्स की, बट इनको शेयर भी तो करना था, तो मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ शेयर करना सबको। तो जल्दी से मैं अपना शेयर निकालता हूँ और सब भेड़ों को नंगा कर देता हूँ। और मेरे को भी जरूरत थी काफी ज्यादा वूल की, तो मेरी मदद के लिए स्टीवी भी आया था वहाँ पर, क्योंकि भाई मैं अकेले वूल निकालते थक चुका था और मेरे से निकल भी नहीं देती उतनी ज्यादा। तो मैं स्टीवी को बुलाता हूँ और मेरी वूल निकालने में काफी ज्यादा मदद करता है। ओके गाइस, फाइनली मेरा पूरा का पूरा सामान कलेक्ट हो चुका है। मतलब भाई 2 दिन लेकर सामान कलेक्ट करने में लग गया। ये देखो ब्लू कलर का ब्लू कॉन्क्रीट लिया मैंने और लाइट ब्लू कलर का भी काफी ज्यादा है, तो मेरे को थोड़ी सी और बनाना है, मतलब लाइट ब्लू वाला ना मेरे को और थोड़ा सा बनाना, वो कम पड़ गया तो अभी बना लेते इसे। और मेरे ख्याल से ये भी भाई कम पड़ जाए, क्योंकि या मेरे को जो ऊपर आई लेयर है ना उसको मेरे को अभी कॉन्क्रीट में करना है, ये कॉन्क्रीट पाउडर है तो उसको कॉन्क्रीट में पूरा कन्वर्ट करना है। ओके इतने में डन, 40 बन गया, बहुत है, इतने में हो जाएगा। जो मेरे पास ब्लू लाइट ब्लू पाउडर है उसको मेरे को कन्वर्ट करना है लाइट ब्लू कॉन्क्रीट में, तो फटाफट चलते हैं उसको लाइट ब्लू कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। और अभी मेरा पूरा का पूरा सामान तो कंप्लीट हो चुका था, तो फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना लैपिस वाला हाउस बनाना मैं स्टार्ट कर देता हूं। और अभी आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। फाइनली मेरा लैपिस बन के कंप्लीट हो चुका है भाई, कितना मस्त लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इसे कमेंट्स में रेट करना कैसे लग रहा है। तो अभी चलते आगे। अरे एक सेकंड में आप लोगों को वो दिखलाता हूँ जो मैंने लाइव वीडियो के एड हो रहा था, ये देखो ना वूल निकाल कर लगा दिया है नेदर रैक। और अभी मैं आप लोगों को पास जाके दिखलाता हूँ, इसके अंदर जाके दिखलाता हूँ कैसा लग रहा है भाई। बाहर से तो एकदम मस्त लग रहा है, जिसका इंटीरियर है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बनाकर दिखला दूंगा, बाकी अंदर से देखो क्या मस्त लग रहा है भाई ये। मैं टॉर्चेस लगा देते ताकि जॉम्बी वॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बड़ी एक सेकंड वीडियो के आज भाई अभी वीडियो बाकी है। पीएचडी भाई ने मेरे जो सामान क्लियर हुआ था उसके लिए मेरे एक वो लगाई थी दान पेटी, वहां कहीं एक सेकंड चलते हैं यहां से। ओके वहां पर मेरे एक वो दान पेटी भाई, वहां पर चलते हैं, अपने मन से दान करें खुलकर और डोंट स्टील भाई, चोरी तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। चेक करते हैं इसके अंदर ओ भाई नाइस भाई, 2 अंडरपर्ल डायमंड हर्ट। एक सेकंड भाई, व्हाट भाई, कोई मेरे को हर्ट देके चला गया यार, इतने भी दयावान लोग रहते हैं क्या इसमें एसएमपी में, मेरे को तो पता ही नहीं था। लेट्स गो भाई, ये नहीं पता कि किसने करा भाई दान, एकदम ऐसा छुपा के रखा हुआ है। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना, और मेरा लैपिस कैसा लग रहा है उसे कमेंट में बताना मत भूलना। और जिस इलीगल काम की मैं बात कर रहा था वो इलीगल काम था एक्सरे।